लल्ला को लगाया बहुत तेज प्यास, तो हमारे लल्ला भी पानी पियेंगे अपने चांदी के गिलास से। देखो कितना तेज प्यास लगी है, पी लो बेटा। बारह बजे नहा दिए थे, 12 बजे के नहा के और सो सो उठ गए 3 बजे। पापा आ गए तो उठे, और जैसे ही पापा आ गए, अभी हम ड्रेस पहना के बाहर ले आए तो आप आ गए। हम गेट पे आ गए थे जैसे खोले, उसको आहट हो जाता कि हम आ गए। और पी लो बेटा, देखिए कितना पानी पी गए, प्यास लगी बहुत तेज, हम समझ जाते हैं जब लल्ला को प्यास लग जाती है। ऐसे ठंडा फ्रिज का हमने पिला रहा है, नॉर्मल पानी, फ्रिज के पानी पिला दीजिएगा तो सर्दी हो जाएगा। पी लो बेटा, बस नहीं लल्ला का जूठा पानी अमृत है। लल्ला लल्ला लल्ला, क्या कर रहे हो बेटा? बेटा क्या कर रही हैं आप? लल्ला लुक एट मम्मा बेबी। नहाने के बाद 3 घंटे सोने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है हमारी लल्ला। आज पहली बार नहा के 3 घंटा सोई है लगातार, एकदम चैन की नींद। तो अभी मेरी छोटी बहन यानी कि बेबी की चांदनी मौसी ने कॉल किया है, वीडियो कॉल। चंदन और चांदनी दोनों कॉलेज गए हुए थे, अभी चाट खा रहे हैं ये लोग चाट के शॉप पे बैठ के। चांदनी बोल रही है कि दीदी मैं कॉलेज होके आ गई हूँ, मैंने वीडियो कॉल किया था आपने उठाया नहीं, मैंने कहा बेबी को रेडी कर रही थी मैं। तो चांदनी बोली एक दीदी अभी मैं मॉल जाऊँगी, तो मॉल जाऊँगी तो आपको वीडियो कॉल करूँगी, तो आप उठाना। मैंने कहा ठीक है। लल्ला बेटा, लल्ला मेरी हल्ला मचाए रे, लल्ला लल्ला मेरी हल्ला मचाए रे। लल्ला पापा खाना खाएंगे, आप भी खाओगे? आप भी खाओगे? हाँ, अंधेरा अंधेरा लग रहा है यहाँ पे। ये हम आपको कितने दिन से बोल रहे हैं हटा दीजिए, नहीं हटा रहे। तो गाइज मेरी छोटी बहन चांदनी फिर से कॉल की है वीडियो कॉल। चांदनी दिखा रही है कि दीदी देखो मैंने बेबी के लिए बॉटल खरीदा है, पानी पीने वाला बॉटल। मैंने बोला कि मैं खरीदी हूँ पहले ही, ऑनलाइन मैंने खरीदा था कुछ दिन पहले, तो मेरे पास बॉटल है बेबी के लिए, बट फिर तुम फिर से क्यों खरीद रही हो? तो बोल रही है दीदी मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मैं खरीदूंगी, कितना भी मैं मना करती हूँ ना लड़की मानती ही नहीं है। तो तीनों बेबी के लिए, मतलब सोना के लिए, लाडो के लिए और लल्ला के लिए, तीनों बेबी के लिए चांदनी खरीदी बॉटल पानी पीने वाला। और इसके बाद चांदनी अपने लिए ट्राउज़र प्लाजो वगैरह देख रही थी, तो वही मुझे दिखा रही थी कि दीदी देखो ठीक है कि नहीं। जब मैं वहाँ पर रहती थी ना, हमेशा चांदनी मेरे पसंद का ही कोई भी ड्रेस लेती थी, तो अभी वीडियो कॉल पर दिखाती है मुझे जब भी मॉल जाती है शॉपिंग करने, तो दीदी देखो ठीक है, मैं बताती हूँ हाँ ठीक लग रहा है, तो लेती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बहन मुझे इतना प्यार करती है। रीना भी जब मॉल जाती है शॉपिंग करने, यहाँ रहती है मेरे मायके, तो वो भी कॉल करके दिखाती है देखो दीदी ठीक है कि नहीं। अब आज फिर से मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, गुड़ की चाय। तो इसमें मैंने डाला है गुड़, पानी, अदरक, चाय पत्ती, बस और कुछ भी नहीं डाली हूँ। दूध इधर गर्म करके रखी हूँ, तो जब चाय बन जाएगा चाय को छान लूँगी इस बाउल में, उसके बाद दूध मिलाऊँगी, उसके बाद सबके लिए कप में निकाल लूँगी। और ये बन गया हमारा चाय, तो इसको कप में निकाल ले रही हूँ। ये रहा हमारा 4 कप गुड़ वाली चाय। बेबी के पापा तो चले गए हैं,
बेबी के दादाजी, बेबी की दादी, बेबी की बुआ और मैं, हम चारों का चाय करते हैं। आ जाओ आप लोग भी गुड़ की चाय पीने। चाय भाई पी लिया हम सब ने और बेबी को अभी मैं बेबी के दादा दादी के पास रख के आई हूँ। मैं चल रही हूँ छत पे, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ छत पे अमरूद के पेड़ के पास, देख रही हूँ कि अमरूद है कि नहीं। एक आध है भी तो बहुत ज़्यादा पक गया है, या तो चिड़िया खा गई है या फिर जो बहुत ज़्यादा पका हुआ अमरूद है ना उसमें कीड़े लग गए। बरसात वाला अमरूद में यही हाल होता है। अब अमरूद ख़त्म हो गया, एक ही बार सारा पक जाता है ना, तो एक ही बार सब ख़त्म हो जाता है। हाँफने लगी, सीढ़ी पे चढ़ती हूँ हाँफने लगती हूँ, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा गर्मी है कि पसीना आने लग रहा है, तो पसीना से एकदम लथपथ ही हो जा रही हूँ। बट ये मैक्सी पहन रही हूँ तो काफ़ी आराम है। ये वाला मैक्सी और जो कल मैंने पहना था नीला कलर का, वो दोनों मैंने एक साथ ख़रीदा है, अपनी ननद से मंगवाई हूँ। मैंने उनको बोला था कि आप अपनी पसंद से ला दीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा मार्केट जाते रहती हैं, तो मैंने बोला था कि आप ला दीजिएगा और मैं पैसा दे दूँगी। तो वो ला दी, मुझे भी बहुत पसंद आया, वो अपने पसंद से लाई हैं, फिर मैंने उनको पैसे दे दिए। इसके पहले वाला जो मैक्सी पहनती हूँ मैं, दो दो, एक डार्क ब्लू कलर टाइप का और एक स्किन कलर टाइप का, वो दोनों मेरे ससुर जी खरीदवा था। मतलब मैंने फ़ोन पे बोला था अपने हस्बैंड से कि दो मैक्सी खरीद दीजिएगा वहाँ पे लखनऊ में, क्योंकि जब मैं अपने मायके में थी ना वहाँ पे मैं गई थी मॉल में ख़रीदने के लिए मैक्सी, तो फिटिंग नाइट ही नहीं मिल रहा था, फिटिंग मैक्सी नहीं मिल रही थी, बहुत ढूंढा था मैंने बट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने बोला था अपने हस्बैंड से कि अगर वहाँ पे मिलेगा, मतलब लखनऊ में मिल जाएगा, तो बोल दीजिएगा पूजा को कि देख के ख़रीद के ला देंगी। तो पूजा को मेरे हस्बैंड बोल दिए थे, तो मेरे ससुर जी और पूजा दोनों लोग मार्केट गए थे बेबी का जो ज्वेलरी ख़रीदना था उस टाइम पे, तो ससुर जी के पैसे से मेरी ननद ने ख़रीद के रखा था। तो आई मैं यहाँ पे तो वही दोनों पहन रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सूख नहीं पा रहा था दोनों एक साथ, तो दिक्कत लग रही थी क्योंकि बेबी को डेली फीड कराना है, दिन भर में कम से कम 10 बार तो आराम से बेबी फीड करती होगी। तो इसीलिए मैंने बोला ननद से कि दो और ला दीजिएगा मैक्सी, तो ये दोनों मैंने मंगवाया। इसमें भी बहुत बड़ा वो हो गया था, इसके पहले वाला जो दोनों मैक्सी खरीद के मेरी ननद रखी थी जब मैं अपने मायके से आई थी ससुराल उस टाइम पे, तो वो बहुत बड़ा हो रहा था, मैंने मतलब पहना था। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे साइज के हिसाब से कटवा के छोटा करके ला दी टेलर के पास से, तो वो मेरे साइज के हिसाब से कटवा के छोटा करके ला दी थी। फिर उसके बाद ये वाला दोनों नाइटी मैंने ख़रीदा, दोनों मैक्सी, तो इस टाइम पे भी मैंने उनसे बोला कि इसको भी कटवा के छोटा करके ला दीजिएगा। तो टेलर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब इतना इतना मेरा पैर दिख रहा था, तो बहुत ख़राब लग रहा था। फिर मैंने बोला कि क्या करूँ क्या करूँ, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि आप रख लीजिए, उनके साइज़ का था, तो बोली कि मेरे में ये साइज़ नहीं आ गया, मतलब मेरे साइज़ का मतलब उनको नहीं आएगा ना, तो इस वजह से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ले जाइए जिस टेलर के पास पूजा दी थी, क्योंकि उस टाइम पे पूजा गई हुई थी बनारस मेरे छोटे ननद के घर। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जिस टेलर के पास पूजा दे के आई थी उसी टेलर के पास ले जाइए, शायद उनके पास कतरन होगा तो वापस से जुड़वा दीजिएगा। तो ये क्या किए, दूसरे टेलर के पास ले जा कर दे दिए, अपने कोई जानने वाले टेलर के पास, तो वो दूसरा कपड़ा लगा दिए। और पूजा को मैंने बताया था कि आपके भैया टेलर को दे आया है, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं दूसरे टेलर को दे आया हूँ। तो पूजा क्या करी, जो टेलर से मतलब कटवाई थी छोटा करवाई थी उसी टेलर के पास चली गई। तो फिर वहाँ पे पता चला कि इनके भैया यानी मेरे हस्बैंड तो दिए ही नहीं है। तो फिर फ़ोन करके पूजा पूछी कि भैया कहाँ दिए, वो टेलर के पास तो है ही नहीं। तो ये बताया कि मैं दूसरे टेलर के पास दे दिया हूँ। तो पूजा उस टेलर से जहाँ से मतलब कटवाई थी उस टेलर से कतरन लेके आई और इनको मेरे हस्बैंड को दी, तो ये वापस से उस टेलर को ले जाके दिए जहाँ पे दिए थे। तो फिर उससे जो उसने क्या किया था, दूसरा कपड़ा जोड़ दिया था जहाँ पे ये मेरे हस्बैंड दे के आ गए थे। तो फिर वापस उसको कतरन ये वाला दिए, तो बोले कि दूसरा कपड़ा जो लगाई हो वो हटा दो और ये वाला लगा दो, नहीं तो मेरी बीवी गुस्सा करने लगेगी। तो फिर ये वाला कतरन लगा एकदम, मतलब मैंने सोचा था कि छोड़ो अब तो ये बर्बाद ही हो गया, बट काम चलाऊ हो गया है, जोड़ हो गया है, बट ठीक है। अभी मैं एक अमरूद तोड़ूंगी, ये बहुत सारे अमरूद तो दिख रहे हैं बट मेरे ख्याल से पिल्लू वाला है, मतलब कीड़ा वाला, हम लोग बिहार में पिल्लू बोलते हैं कीड़ा को। देखिए ये दिखने से कितना सुंदर लग रहा है ना, बट यहाँ देखिए कीड़ा छेद बनाया हुआ है, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे यही हाल है। एक यहाँ पे भी बहुत सुंदर दिख रहा है बट इसमें भी कीड़ा होगा, इधर भी बहुत सारे दिख रहे हैं बट इन सब में भी कीड़ा होगा। अभी बरसात के टाइम वाला जितने भी अमरूद होते हैं ना सब में कीड़ा रहता है, कच्चा खा लो तो ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा पक गया तो कीड़ा कीड़ा कीड़ा। लल्ला
लल्ला लल्ला लल्ला बहुत ढूंढने के बाद तीन अमरूद मिला है। पता नहीं अच्छा है कि क्या। एक तो ये वाला तो ठीक है, ये दोनों का डाउट है, इसलिए दोनों खा नहीं रहे। पहले चाकू से काट के देखूंगी। बेबी रो रही है, बेबी की बुआ मुझे चिल्लाई हैं, पुकारी हैं, भाभी जल्दी आ जाइए, बेबी रो रही है आपके लिए। अभी झूला झूल रही है अपनी बुआ के साथ। चलिए चलती हूँ जल्दी, नहीं तो ज़्यादा ही रोने लगती है फिर। गाइज आज फिर से मैंने बनाया है पनीर की सब्जी। लल्ला पनीर की सब्जी खाओगे बेटा? अभी आप पनीर की सब्जी नहीं खा सकते हो, तीखा लगेगा आपको। तो फिर से आज मैंने बनाया है पनीर की सब्जी। ओके आज भी अच्छा बने। मटर नहीं है इसमें, आलू है। अब आप लोग ये मत पूछना कि आलू क्यों है मटर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे ससुर जी को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और मटर खरीद के आया नहीं, तो इसलिए आलू डाल दिया मैंने। बेबी के अन्नप्राशन वाले दिन मैंने कोशिश किया था कि बहुत अच्छी सब्जी बने, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी सब्जी बनी भी थी। आप लोगों ने ब्लॉग देखा था तो कमेंट भी किया था। आज भी मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छी सब्जी बने। आज भी भगवान की कृपा से अच्छी सब्जी दिखने में तो लग रही है, पता नहीं खाने में। सब लोग बताएंगे खाएंगे तब। आप लोग बताना देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण। राधे राधे बेटा, प्रणाम कर लो सबको, प्रणाम।